अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। और इस टाइम मॉल में हूँ और यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, तो शॉल पसंद की जा रही है यहाँ पर। मम्मा ने गिफ्ट करनी है किसी को, और तो यहाँ पर शॉल मैंने और मम्मा दोनों ने मिलकर ही सिलेक्ट की हैं, और बहुत ही अच्छे से कलर लिए हैं हमने शॉल के। कलर भी बहुत खूबसूरत है इनके, और इन पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई है। खैर, हम लोगों ने ये शॉल पसंद कर ली हैं और ये पैक करवा रहे हैं, और तकरीबन ये 10 शॉल ली हैं हमने, और जिनमें से 3 तो हम तीनों बहनों की हैं, मामा की तरफ से गिफ्ट हैं। तो मैंने अपने लिए और छोटी सिस्टर के लिए और बड़ी सिस्टर, हम तीनों की एक जैसी ली हैं पिंक कलर की, क्योंकि हम तीनों को ही ज़्यादातर पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि हम तीनों बहनों की एक जैसी होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं इस पोर्शन पर आ गई हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी। यहाँ पर देखें, सिल्वर के भी हैं, स्टील के बर्तन भी हैं, हर तरह की आपको यहाँ पर वैरायटी मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर ना नॉनस्टिक का पैन चाहिए कुकिंग के लिए, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। आपको पता है वो नॉनस्टिक ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर उसमें स्टील वाला चम्मच यूज़ किया जाए। तो बस मैंने फिर अपने लिए ये वाला पैन ले लिया था यहाँ से, और उसके बाद फिर हम मॉल से बाहर चले गए थे, क्योंकि अब एक और मार्केट जाना था जहाँ से मुझे ना जर्सी लेनी थी। तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए अपने लिए जर्सी पसंद करना कि मैं कौन सी लूँ, समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर मैंने ये वाली जर्सी अपने लिए पसंद कर दी थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे करना पसंद अपने लिए, क्योंकि इस टाइम ना मुझे अपनी छोटी सिस्टर की कमी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि हम दोनों की चॉइस एक जैसी है और हम दोनों एक दूसरे से मशा लेकर ही एक दूसरे मतलब कपड़े वगैरह खरीदती थी शादी से पहले। अब तो है वो अपने ससुराल में और मैं इधर हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, कोई भी शॉपिंग करते हैं तो एक दूसरे को फ़ौरन से बताते हैं। तो अब मुझे ये ले तो ली थी, लेकिन अब मुझे ये हो रहा था पता नहीं अब उसको अच्छी लगेगी या नहीं। ली तो बेशक मैंने अपने लिए थी, लेकिन मुझे होता है कि मेरी छोटी सिस्टर को भी बस मेरी मतलब पसंद आ जाए जो मैंने ली है। लेकिन खैर, उसे भी पसंद आई थी। घर जाके मैंने उसे सबसे पहले व्हाट्सएप की थी, उसकी पिक बनाकर और वीडियो बनाकर सेंड की थी। खैर, मुझे पसंद आ गई थी तो फिर ये मैंने पैक करवा ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने और भी ज़्यादा शॉपिंग की, बहुत सारी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर हम लोग घर आ गए थे, और सबसे पहले तो ये जर्सी जो मैंने अपने लिए पसंद की, खैर मैंने घर में आके पहन कर देखी और मुझे अच्छी भी लगी। मम्मा ने भी बहुत उसकी तारीफ़ की कि बहुत ही अच्छी लग रही है तुम्हें। तो फिर थोड़ी खुशी हुई कि छोटी सिस्टर को भी मैंने व्हाट्सअप कर दी थी वीडियो बनाकर, तो उसने भी ओके कर दिया था, यानी उसको भी पसंद आ गई थी। और अगर वो रिजेक्ट कर दे तो फिर मुझे दिल में अंदर होता है कि नहीं, उसे नहीं पसंद आई तो इसका मतलब ये है कि मैंने मतलब अच्छी नहीं ली। तो है यहाँ पर ना मम्मा के लिए एक सूट मैंने पसंद किया था, ये वाला खद्दर का सूट था, बहुत ही मोटा था और कलर भी बहुत ही खूबसूरत था, और इसके ऊपर जो ये प्रिंट हुआ हुआ था ना, ये बहुत खूबसूरत था और डबल शेड में था। तो कलर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मम्मा ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनती, वो थोड़े हल्के कलर पहनती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे मम्मा के लिए, तो ये वाला मैंने कलर ले लिया था मम्मा के लिए। Oh, 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 oh
यहाँ पर ना किचन रोल ख़त्म हुआ था, वो लिया था मैंने कांच के गिलास लिए, और ये एक सूट बाई के लिए लिया है, खद्दर का सूट है और काफ़ी मोटा स्टफ़ है। तो खैर शॉपिंग की जाए और छोटे बांझे के लिए कुछ ना लिया जाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कल मेरी उससे ना वीडियो कॉल पर बात हो रही थी तो मुझे ना प्यार से वो आशी कहता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे आशी जी कह के बुलाता है। तो फ़ोन पर ना मुझे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी तो कहता है कि आशी आपने मेरे लिए गाड़ियाँ ली हैं, मेरे लिए रेड गाड़ी लेना, मेरे लिए ग्रीन गाड़ी लेना ना। तो मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा हमने तो गाड़ियाँ नहीं ली हैं आपकी। तो आगे से ना बड़ा मूड ऑफ करके कहता है कि अच्छा मैं ना वीडियो कॉल काट दूँगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मैं आपका बेटा भी नहीं हूँ। तो है भी माशाल्लाह अभी बहुत छोटा है, 5 साल का है, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी प्यारी करता है ना, और मतलब मुझे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, बिल्कुल मेरा उसके साथ इसी तरह का प्यार है। क्योंकि बेशक मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप यकीन जाने उस बच्चे से मुझे इतना प्यार है ना, मैं कहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती, यानी इतना मैं उस बच्चे का करती हूँ और वो भी मेरा बहुत ज़्यादा करता है। जब वो मैं उसे कहती हूँ ना अहमद जानी मेरे कोई बेटा नहीं है तो आप मेरे बेटे बनो ना, कहता है आशी जी मैं आपका बेटा हूँ ना, तो आप यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे कहता है कि आशी मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर शॉल का ना स्टफ़ बहुत ही अच्छा था, बहुत गर्म शॉल्स थी, और यहाँ पर तीन तो मैंने एक जैसी रख ली थी पिंक वाली, एक अपनी, एक बड़ी सिस्टर की और एक छोटी बड़ी सिस्टर के लिए, तीनों बहनों की एक जैसी अच्छी लगेंगी, तो तीनों की एक साइड पे कर ली थी। और ये जो बाकी की थी वो तो है मामा ने गिफ्ट करनी थी, और जो नानोमी के लिए मैंने पसंद की है, मैंने और मम्मा ने दोनों ने जो कलर पसंद की है ना वो भी हल्के कलर का ही किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लाइट आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ना वो वाला मैंने नानों के लिए पसंद किया था, और ये वाला मैंने अपने लिए किया है छोटी सिस्टर और बड़ी वाली के लिए, ये तीन एक चीज़ के लिए। कलर भी बहुत प्यारा है और इसके ऊपर जो कढ़ाई हुई है ना वो बड़ी प्यारी लग रही है, और यूँ लग रहा है जैसे ये बनारसी जैसे कपड़ा होता है ना उस तरह का लुक दे रही थी ये चादर। तो इसके साथ ना इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई सूट भी साथ मैच कर सकते हैं, कि मतलब एक सूट बन सकता है इसके साथ, अगर आप जिस तरह एक सूट ले लें अगर लाइट पिंक कलर का, और या शनील का सूट बना सकते हैं उसके ऊपर आप अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी करवा लें, या फिर आप इस तरह की कोई लेस पसंद कर लें जो साथ मैचिंग की हो, तो ये भी बड़ा बेहतरीन सा एक सूट अच्छा सा मोटा तैयार हो सकता है आपका सर्दियों का। और इस तरह का भी ये भी फैशन है कि शॉल ले कर उसके साथ सूट भी पसंद करें तो वो भी एक आपका ना बड़ा अच्छा सा लुक लगता है। तो मेरी छोटी सिस्टर ने तो ये सोचा हुआ है कि वो साथ ना शनील का सूट लेगी इस तरह का पिंक कलर का, तो बड़ी अच्छी मैचिंग हो जाएगी, साथ शॉल होगी और साथ उसका शनील का सूट बन जाएगा। है यहाँ पर मैंने अपने लिए शूज़ लिए थे क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में ये चीज़ तो लाजमी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना तो सुबह सुबह बड़ी ठंड होती है, तो इसलिए मैंने लिए अपने लिए। वैसे मुझे शूज़ इतने ज़्यादा पसंद नहीं है
लेकिन इसकी पैकिंग चेक करें, पैकिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी। तो है यहाँ पर मैंने अपने लिए ग्रे कलर वाले शूज़ पसंद किए थे। ये मतलब हर सूट के साथ चल जाते हैं और इस टाइम भी मैच हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। लेकिन बहुत ही आरामदेह जूता है, बिल्कुल नहीं महसूस हो रहे कि मैंने ये बंद शूज़ पहने में, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ना बताइएगा कि मेरे शूज़ आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मैं अब पहन रही हूँ। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना होता है डायलिसिस करवाने के लिए ना, तो फिर उस टाइम बहुत ठंड होती है, तो इसलिए मैंने शूज़ नहीं है। तो वैसे मैं इतना रेगुलर पहनती नहीं हूँ शूज़। है यहाँ पे शाम के 6 बज रहे थे और शॉपिंग करने की वजह से बड़ी थकावट हुई हुई थी और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना 2 कप बना लिए थे कॉफ़ी के, 2 कप तो नहीं कह सकते हैं, मैंने अपने लिए हाफ कप ही बनाना है क्योंकि पानी तो ज़्यादा पी नहीं सकती। तो चाय हो कॉफ़ी हो ये भी मतलब लिक्विड में ही आता है ना, तो फिर मम्मा के लिए मैंने एक पूरा कप बना लिया था और अपने लिए मैंने आधा कप बनाया था। और भूख भी लगी हुई थी, साथ में मैंने ना यहाँ पर फ्रूट केक था वो रख लिया था, साथ में लेस चिप्स पड़े हुए थे वो भी मैंने डाल दिए थे बीच में, ताकि अभी रात के खाने में टाइम था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चाय के साथ ही खा लेते हैं ताकि थोड़ी सी ना भूख कम हो जाए। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पहले की तरह ना मेरा आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, और आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। और इंशाल्लाह मैं अपने लिए भी जब सूट खरीदूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई हैं, सूट भी लूँगी इंशाल्लाह। तो अपने लिए सूट पसंद करना ना मुझे थोड़ा बड़ा मुश्किल लगता है, मतलब अगर छोटी सिस्टर साथ हो ना तो वो जो सूट मुझे बोलती है मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं से बहुत मिस कर रही थी शॉपिंग के जब मैं गई हूँ ना, तो आई मिस यू जेरी, मैं अब बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी से आप आओ तो फिर हम लोग मिलकर जाके शॉपिंग करेंगे। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें कि मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से कुकिंग लेकर आऊँ, अच्छे अच्छे से लोग लेकर आऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh